दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर टेबल पे बहुत सारा खाना है और आपको कुछ खाने का बोला जाए तो आप सबसे पहले क्या खाओगे? आप वो चीज़ खाओगे जो क्रंची है, जो मीठा है, जो टेस्ट में बहुत ही सुंदर हो। और उसको खाकर क्या होगा? उसको अगर आप लगातार खाते जाओगे तो शुगर होगी। और ये जो समस्या है ना, ये आज इतनी आम हो गई है। ऐसा ना हो पर हर एक घर में कोई ना कोई शुगर पेशेंट बन ही जाता है। और ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 साल, 5 साल, 10 साल लगते हैं शुगर पेशेंट बनने में। तो अगर इस बीच में अपनी आदत बदल देते हैं या कोई ऐसे प्रोडक्ट खाने लग जाए, सप्लीमेंट लेने लग जाए, तो इस बीमारी से आप हरदम छुटकारा पा सकते हो। ऐसे ही एक स्टोरी आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टेज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। मेरे मम्मी को पिछले 7-8 सालों से शुगर था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर देखे हैं, सब एक ही बात बोलते थे, इंसुलिन लेना। मम्मी को दो दो बार की इंसुलिन लगती थी, एक बार सुबह एक बार रात को। मैंने 2-4 जो डॉक्टर है डॉक्टर भी चेंज किए, लेकिन सब एक ही बात बोलते हैं कि आप इंसुलिन लीजिए, ये शरीर के लिए ठीक होता है। लेकिन जो हम लोग थोड़ा गूगल सर्च करते हैं या थोड़ा इस बारे में जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन ठीक नहीं होता है। इसके कारण हमारे किडनी, हमारे आँखों में बहुत सारा दिक्कत होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइन थी, मेरे अपलाइन ने मुझे सजेस्ट किया। वैसे तो मैं अपने मम्मी को सभी कुछ देती थी जो सप्लीमेंट है, लेकिन उसमें से मैंने शुगर का जो है स्पेशली आपका नोनी, नीम, ग्लूको हेल्थ, फ्लैक्सीड ऑयल, ये मम्मी का जो एकदम है शुगर में बहुत अच्छा काम किया, और जिसके रिजल्ट मैं आपको रिजल्ट भी दिखाती हूँ। और मम्मी का जो शुगर है 294/361, ठीक है, और मम्मी का शुगर हो गया है 160। तो ये सब रिजल्ट आया है एक सोच के कारण, एक डिसीजन के कारण। ये चाहते तो इंसुलिन देकर रेगुलरली उसको कर सकते थे, यानी कि आजीवन इंसुलिन लेना और जीवन को यापन करना। पर इन्होंने निर्णय चेंज, इन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया। इन्होंने सोचा कि ये जो इंसुलिन है, ये है तो एक प्रकार का केमिकल, क्योंकि हमारी बॉडी तो बना नहीं रही है। और अगर बॉडी नहीं बना रही है ठीक, तो ये आगे चलकर नुकसान करेगा और करता ही। इंसुलिन के कारण आपकी बहुत सारी चीज़ें फेल हो जाती है। अब यहाँ पर नहीं बता सकते कि क्या क्या होगी, बट होती है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट लीजिए ना जो सप्लीमेंट हो और उनको लेकर आपको राहत मिलती हो। देखिए, अगर इंसुलिन इतना ही अच्छा होता ठीक है, तो इसको एक ही बार लेने की ज़रूरत पड़ती, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल ले लेते, फिर तो वो ख़त्म होने की ज़रूरत है ना। बट नो वन वॉन्ट्स, कोई ऐसा चाहता नहीं है कि ये लाइफ टाइम ये समस्या आपके साथ रहे और ये समस्या समाप्त ना हो, ऐसा लोग चाहते हैं ठीक है। और इसीलिए जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ता है। बट वेस्टेज क्या जाती है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो वेस्टेज के सप्लीमेंट अगर आप लेते हो तो आपकी समस्या 1 साल ज़्यादा ज़्यादा समाप्त हो जाएगी और जीवन भर इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रही है कहने की क्या बात है, कि जो लोग चाहते हैं कि इंसुलिन लाइफ टाइम लो, वो आपको इंसुलिन देते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि भाई ये समस्या समाप्त हो जाए, तो वो डेप्थ से, गहराई से वो वर्क करते हैं और आपकी जो जो भी शरीर में कमी है उसको पूर्ण करते हैं, ताकि आपका शरीर खुद इंसुलिन बनाने लगे और बाहर से आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो कितनी प्यारी सोच है, कितना मतलब लोगों ने बड़ा सोचा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनको सही जानकारी पहुँचाएँ। थैंक यू।